हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी। आज के हमारे टॉपिक मॉडिफाइड एलिफेंट का संबंध 2018 में घटित भीमा कोरेगांव कांड से। इसमें हुआ क्या था कि जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव नाम की जगह पर हिंसा भड़क गई थी। इसमें सुधा भारद्वाज तथा उनके अन्य साथी प्राइम एक्यूज थे और इनके एक्यूज होने के लिए NIA ने आधार क्या दिए थे कि इनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट तथा इनके पास बीच में SMS कन्वर्सेशन मिली है NIA को, जो है बताती थी कि हिंसा भड़काने में ये लोग शामिल थे। अब इसी के संबंध में एक अमेरिकी साइबर एजेंसी Sentinel-1 ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में इसने क्या कहा है कि मॉडिफाइड एलिफेंट नाम के हैकिंग ग्रुप ने इन सभी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, एकेडमिक्स तथा लॉयर्स के इक्विपमेंट में वो सभी के सभी जो भी एविडेंस मिले हैं वो बाहर से इम्प्लांट किए थे एक मालवेयर का प्रयोग करके। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके पास एविडेंस है NIA के पास, वो एविडेंस ट्रू नहीं है, उनको बाहर से फैब्रिकेट किया गया है। तो अब हम यह जान लेते हैं यहाँ पे कि मालवेयर्स होते क्या हैं। तो मालवेयर्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होते हैं। इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो बिना आपकी परमिशन के आपकी डिवाइस की एक्सेस ले सकते हैं, उसमें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं या और वहाँ से फोल्डर डिलीट भी कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनकी डेफिनेशन में बहुत छोटा छोटा सा फ़र्क होता है, उसी फ़र्क को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टस में। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इनके कितने विभिन्न टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप होगा वायरस, उसके बाद हम बात करेंगे वॉर्म्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे ट्रोजन वायरस के बारे में, उसके साथ ही बात करेंगे स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर तथा फाइललेस मालवेयर के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ के एक एक करके हम इन सभी को समझ लेते हैं। इनमें सबसे पहला जो हम समझेंगे वो होगा वायरस। तो ये वायरस होते क्या हैं, ये वायरस कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो है तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर किसी फाइल के फॉर्म में हो सकते हैं। और होता क्या है कि जब आप किसी ऐसी फाइल को डाउनलोड करते हैं जिसमें वायरस हो या फिर कोई अन्य मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो, तो आपके सिस्टम में जाएगा, वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा और आपके डेटा को नुकसान पहुँचाएगा। नुकसान पहुँचाने का या तो उसको एडिट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है या कुछ और सेव करके रख सकता है। अब यदि हम इस वायरस को बायोलॉजिकल वायरस से कंपेयर करें तो दोनों की प्रकृति लगभग समान होती है। कैसे कि जब यह बाहर रहते हैं तो ये डॉर्मेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर आते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार का काम ये वायरस सॉफ्टवेयर भी करता है। कैसे कि ये आपकी डिवाइस में डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपके डेटा को अफेक्ट करने लगेगा। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, मान लीजिए कि होस्ट ए ने होस्ट बी को कोई फाइल भेजी और उस फाइल में एक वायरस था, तो अब यह वायरस जो होस्ट ए के पास था वो होस्ट बी के पास भी पहुँच जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अपने से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही अपने को रिप्लीकेट करेगा। जब आप उस फाइल को भेजेंगे तभी यह दूसरे की फाइल को ही अफेक्ट कर पाएगा। इस प्रकार वायरस क्या करेगा, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंचा, दूसरे से तीसरे होस्ट के पास पहुंचेगा और इसी प्रकार यह फैलता रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं वॉर्म्स के बारे में। तो वॉर्म्स और वायरस का सबसे बड़ा फर्क क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो वॉर्म्स और वायरस में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वही रिप्लीकेशन का होता है। वॉर्म्स कैसे काम करता है, वॉर्म्स क्या करता है, मान लीजिए आप एक नेटवर्क पे हैं, इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मान लीजिए वॉर्म्स एक नेटवर्क में इंटर किया यहां पे। अब यह वायरस की तरह इसमें जरूरत नहीं है कि आप उसको फाइल को सेंड करें, यह स्वयं को रिप्लीकेट करेगा और दूसरे में चला जाएगा, वहां पे रहेगा। अब क्योंकि यह भी इसी नेटवर्क से जुड़ा है तो यह फिर अपने आप को रिप्लीकेट करेगा और इस सिस्टम में भी चला जाएगा। इस प्रकार यह ज्यादा तेजी से स्प्रेड करेगा और पूरे नेटवर्क में आसानी से फैल जाता है। तो वॉर्म्स इस प्रकार से वायरस से डिफरेंस हो जाता है। चलिए अब हम तीसरे मालवेयर के बारे में बात करते हैं जो है ट्रोजन वायरस। तो ये ट्रोजन वायरस होते क्या हैं, शब्द ट्रोजन के साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है, ये ग्रीक हिस्ट्री से संबंधित है। ट्रॉय नाम का शहर था ग्रीक में, उस पर राज करने की कोशिश बहुत सारे लोग सोच रहे थे, लेकिन यह बहुत मजबूत शहर था, इसकी जो किले बंदी थी उसको भेदना लगभग नामुमकिन था। तो ओडिसस नाम के राजा ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सेना से एक बहुत बड़ा घोड़ा बनवाया जिसको उन्होंने ट्रोजन नाम दिया और अपनी पूरी सेना को उसके अंदर बिठा दिया और उन्होंने ऐसा बनाया जैसे उनकी सेना लौट गई है वहाँ से और अब युद्ध नहीं करेंगे। तो ट्रॉय शहर का जो राजा था उसने क्या किया, इस घोड़े को अंदर रख लिया। जैसे ही रात हुई
वो सैनिक वहाँ से निकले और उन्होंने ट्रॉय पर कब्जा कर लिया। इसी कहानी से ट्रोजन वायरस का नाम निकला है, ट्रोजन। तो ट्रोजन वायरस क्या होते हैं? ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई लैक्टिमेट ऐप हो, जैसे कि ये करते क्या है, नाम में हल्का सा परिवर्तन करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे और जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे ये आपके सिस्टम का कंट्रोल ले लेते हैं और आपके डेटा को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, ये जितने भी आपने मेल के थ्रू, क्लाउड के थ्रू या वीडियो के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे ये आपके सिस्टम पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। ये होता है ट्रोजन वायरस। चलिए अब हम अगले मालवेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसा कि नाम से अपने प्रतीत होता है, ये स्पाई की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो रिमोट यूजर्स होते हैं वो किसी दूसरे के ऊपर स्पाई का काम करते हैं, मतलब आपकी एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं और आपको उस चीज़ के बारे में खबर भी नहीं होती कि कोई आपको देख रहा है, और ये लगातार 24/7 आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखेंगे और आपके डेटा को यहाँ से वहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ का क्या होता है कि आपकी फाइल को उठा के अपने फाइल में ले जाएंगे और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो ये स्पाईवेयर हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं हम अगले मेलवेयर के बारे में, जो कि है एडवेयर। एडवेयर के पहले टर्म है एड, और यहाँ एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार का कई बार आपने देखा होगा कि आप स्क्रीन पर ऐसे कुछ मैसेज आते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप लॉटरी जीत गए हैं, या फिर आपको गिफ्ट मिला है आपको साइट की तरीके से, या इसी तरीके के अन्य लुभावने आपके सामने एडवर्टाइजमेंट पेश किए जाते हैं और इनके द्वारा आपके सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये बाकी मेलवेयर के मुकाबले कमज़ोर होते हैं क्योंकि इनके द्वारा डेटा को डिलीट या उनको मॉडिफाई नहीं किया जाता। इसका जनरली प्रयोग अपने किसी भी नए प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे किसी अन्य दूसरी ही वेबसाइट पर आपको भेज देंगे। तो ये वायरस उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि ये भी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी आपके सिस्टम पर कंट्रोल मिल जाता है। चलिए तो हम अगले मालवेयर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के नाम में ही सबसे पहले रैंसम है। इसमें क्या किया जाता है, रैंसम से हम क्या समझते हैं, रैंसम क्या होता है? मान लीजिए जब किडनैपर्स किसी को किडनैप करते हैं, उसके बाद वह जो मांग करते हैं उसको रैंसम बोलते हैं। यह मालवेयर भी वैसे ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि रिमोटली आपके सिस्टम को कोई दूसरा यूजर कंट्रोल कर लेता है और वह पूरी तरीके से इनक्रिप्ट हो जाता है, और जैसे ही आप अपना सिस्टम खोलेंगे वह आपसे एक मैथमेटिकल कोड मांगेगा जिसके डालने पर ही आपका सिस्टम आपको एक्सेस देगा, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सेस किसी और के पास है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो यूज़र आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो आपसे डिमांड करते हैं, या तो पैसे की डिमांड कर सकते हैं कैश में, या फिर बिटकॉइन या डिजिटल, किसी भी तरीके से आपसे डिमांड करते हैं, और जब तक आप यह डिमांड पूरी नहीं करते वह आपके सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे ही आप उस डिमांड को पूरा करेंगे या उनको ट्रांजेक्शन कर देंगे वह आपके सिस्टम को छोड़ देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसमें यह सिस्टम लॉक है, चाबी किसके पास है, एक दूसरे यूजर के पास। जैसे ही इन्होंने इसको कैश ट्रांसफ़र किया, इन्होंने इसको चाबी दे दी और इनको चाबी मिली, इन्होंने लॉक खोल लिया। इसको आप समझेंगे कैसे कि आपका सिस्टम लॉक है, वह आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है और वह पासवर्ड किसी और ने सेट किया है, तो आप उस पासवर्ड को नहीं खोल पाएंगे। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया उन्होंने आपको पासवर्ड बता दिया और आपका सिस्टम अब आपको एक्सेस दे देगा। चलिए तो अब जान लेते हैं हम नेक्स्ट मालवेयर और अंतिम मालवेयर के बारे में, जो कि है फाइललेस मालवेयर। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, फाइललेस का मतलब ये ऐसे मालवेयर होते हैं जिनमें कोई फाइल आपके सिस्टम में नहीं आती, ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, मतलब आपके हार्ड ड्राइव में इसका कोई भी आपको इम्प्रिंट नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी माने जाते हैं, क्योंकि यदि आप इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो अब फाइल ही नहीं है। जब फाइल ही नहीं है तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे कि आपका सिस्टम इन्फेक्ट हुआ था? तो ये इनको सबसे सोफिस्टिकेटेड टाइप का मालवेयर माना जाता है, और ये कम्प्लीटली आपके मेमोरी बेस्ड होते हैं, मतलब आपके सिस्टम की जो मेमोरी है उसी पे बेस पे होते हैं और वहीं से आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मालवेयर के बारे में जाना, साथ ही मॉडिफाइड एलिफेंट हैकिंग ग्रुप के बारे में भी जाना, जिसका संबंध भीमा कोरेगांव केस से था। इसी प्रकार की नई नई जानकारी को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।